नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चारों युगों में कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय के कालखंडों को चार युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे शापित युग कहा गया है। लेकिन मित्रों, आप ये नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युगों में से एक बताया गया है। उनका ऐसे कहने के पीछे क्या तर्क था और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे बताया गया है, आज हम बात जानेंगे इस बारे में, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार विष्णु पुराण के छठे अंश के अध्याय दो में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार, एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषि गण वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषिगण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से एक डुबकी लगाई और फिर कुछ समय बाद बाहर निकलकर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। यह कहकर महामुनि फिर से जल में मग्न हो गए और फिर जल से निकलकर बोले, स्त्रियाँ ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं है। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हम लोगों ने सुना था कि युगों में कलयुग शापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब फिर उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद व्यास जी उन ऋषियों के पास पहुँचे। तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषिगणों को देते हुए कहा कि हे ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने और कलयुग में 1 दिन में मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वही जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु के भक्ति और कीर्तन मात्र से मिल जाता है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता हासिल कर सकता है, इसीलिए मैंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे।